बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश बाबू धीरे धीरे कर अपने पत्ते खोल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बिहार आगमन के दौरान जदयू ने इसके लिए माहौल तैयार किया है। इस अहम मुलाकात के अगले दिन ही जदयू ने नया पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। बिहार प्रदेश जदयू कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें दो खास किस्म के नारे लिखे हैं जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करते हैं। एक होर्डिंग में लिखा है, प्रदेश में देखा देश में दिखेगा। वहीं एक अन्य होर्डिंग में लिखा है, जुमला नहीं हकीकत। माना जा रहा है कि ये पोस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति की ओर खुला संकेत है। वहीं इस सियासी हलचल के बीच जदयू कार्यालय में 3 दिवसीय बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। साथ ही 3 और 4 सितंबर को नेशनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में एक साथ कई एजेंडों पर चर्चा होगी। वहीं उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जुमला देते हैं, काम नहीं करते। कल प्रदेश इकाई की बैठक है और प्रदेश के जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और उसमें जो भी अभी तक जो भी काम हुआ है उस पर चर्चाएं, जो पार्टी के संगठन की मजबूती पर चर्चाएं होंगी, संगठन को कैसे और धारदार बनाना है, कैसे मजबूत करना है और जो हमारा पार्टी का जो मिशन है जो 2024 और 2025 उस मिशन की कामयाबी पर और जो अभी राजनीतिक हालात हैं उन राजनीतिक हालातों पर जो है चर्चाएं होंगी। कल की बैठक में कौन-कौन नहीं, कल तो प्रदेश कमेटी की बैठक है और परसों जो है 3 को जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे से है राज्य कार्यकारिणी का और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से नेशनल काउंसिल की बैठक है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के तमाम वरीय नेता जितने भी जो भी हैं हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख साथी सभी लोग राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और जो अभी राजनीतिक हालात है उस राजनीतिक हालातों पर चर्चाएं होगी और सारी कई एजेंडा हैं और एजेंडा पर विमर्श होगी, उसके बाद विस्तार से हम आपको ब्रीफ करेंगे। प्रयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार जिन बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार को आप लोग अधिकृत करना, इनमें कहीं दो राय है। ये तो आप जानते ही हैं कि अभी हाल के दिनों में जो महागठबंधन हुई और किस तरह से एक समाजवादी विचारधारा के दो बड़े पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद एक साथ होने से किस तरह से और भी जो हमारे कांग्रेस है और जो भी गठबंधन के जो लोग हैं जिन सब लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है और जो उधर देख रहे हैं कि जो जाति और धर्म के नाम पर देश और समाज को बांटने वाला पार्टी जो है अकेली भाजपा रह गई है। तो इस सारी हमने तो कहा है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक हालात हैं, सभी विषयों पर चर्चा हो। कहते हैं कि हमारा सरकार के नेता, हमारे पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है और आप देख रहे हैं कि न्याय के साथ समावेशिक विकास को कर रहे हैं, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, औरों की तरह नहीं। लेकिन अगला जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और किस तरह से उनका सिर्फ भाषण ही आपका अच्छा लगेगा और किस तरह से उन्होंने आज आप देख रहे हैं नौजवान को किस तरह से उन्होंने ठगा, 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर किस तरह से उन्होंने कहा कि 75वां जब आज़ादी का 75वां साल आएगा तो उन्होंने कहा कि हम हर घर को पक्का, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो पक्का का नहीं होगा। तो सब चीज़ देख रहे हैं, हर बिंदु पर मैंने कहा कि हर बिंदु पर चर्चा होगी और हम लोग जो है निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है और आप पूरे महागठबंधन के जो लोग हैं इन्होंने बीजेपी के खिलाफ में बिगुल फूंक दिया है, ये समाजवादी की धरती है, इस धरती से क्रांति की लहर चल चुका है। धन्यवाद।
नीतीश बाबू भविष्य में प्रधानमंत्री के पद पर दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ये दाव कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।